हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीम्स फिटनेस। यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड गेट द इंस्टेंट अपडेट ऑफ आवर चैनल। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू जीम्स फिटनेस, इट्स मी सौरभ सिंह। सो आज मैं आपको बताऊंगा गाइस स्टेरॉइड्स के बारे में। जनरली बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई रिसेंटली कि सर स्टेरॉइड्स लेना हमारे लिए ठीक रहेगा, किस तरह लें। तो बेसिकली गाइस स्टेरॉइड्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो है क्या, राइट। स्टेरॉइड्स बेसिकली आपके नेचुरल बॉडी के हार्मोन्स को मल्टीप्लाई करता है, राइट। उसके प्रोसेस को फास्ट करता है जिससे आपकी मसल्स रिकवरी फास्ट होती है, राइट। आपको आपके मसल्स के अंदर वाटर टेंशन हाई करता है जिससे आपके अंदर एक मसल्स के अंदर एक पावर रहती है थ्रू योर वर्कआउट, एक एनर्जी रहती है थ्रू योर वर्कआउट, राइट। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स के, किस तरह आप स्टेरॉइड्स ले सकते हो, फर्स्ट इज ओरल एंड द सेकेंड इज इंजेक्टेबल। ओरल के अंदर आप अगर देखते हो काफ़ी सारी टैब्स देखते हो, डैनाबॉल, एनाबॉल, स्टेनोजॉल, दे आर सो मेनी स्टेरॉइड, राइट। सेम थिंग्स कैन बी अवेलेबल इन इंजेक्ट फॉर्म। सो दोनों अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है इंजेक्टेबल अगर आप बात करें। क्यों? क्योंकि अगर आप ओरल लेते हो उससे आपके किडनी पे, लीवर पे काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है रैदर देन इंजेक्टेबल, राइट। एंड अगर हम बात करें डोजेस की, राइट, जो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बिगनर्स होते हैं अगर वो स्टेरॉइड साइकिल पे आना चाह रहे हैं, जो लेना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, सो मेक श्योर गाइस जब भी आप स्टेरॉइड ले रहे हो, चाहे दो से तीन स्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन आप एक साथ ले रहे हो, राइट, वीकली बेसिस पे आप मेक श्योर कि आप 1 ml से ऊपर ना लो, राइट। एंड 1 ml मीन्स जनरली आपने देखा होगा 1 ml इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 100 mg, राइट। किसी किसी ब्रांड के 1 ml के सेम सॉल्ट के 250 mg भी आते हैं, 200 भी आते हैं, राइट। सो मेक श्योर आप 100 mg से ऊपर नहा लो स्टार्टिंग में। अगर आप बिगनर्स हो, पहले आप अपनी बॉडी पे कोई भी स्टेरॉइड ले रहे हो तो उसको टाइम दो, देखो, कम डोज पे रखो, लो डोज पे रखो, नॉट गो फॉर हाई डोज जस्ट टू अवॉइड द साइड इफेक्ट्स ऑफ द स्टेरॉइड्स, राइट। एंड द मेन थिंग्स आफ्टर एवरीथिंग, लाइक अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स की, अगर आप कोई भी सॉल्ट यूज कर रहे हो, किस तरह ले रहे हो, डजंट मैटर। जो मेन थिंग इज अगर आप कोई भी साइकिल 3 से 4 हफ्ते की चला रहे हो स्टेरॉइड्स की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है PCT, दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइकिल थेरेपी। पोस्ट साइकिल थेरेपी बहुत जरूरी है हमारे लिए, खासकर चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हो, कोई भी हो, अगर स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो जस्ट गो फॉर अ PCT आफ्टर कंप्लीट योर, आफ्टर द मोमेंट यू कंप्लीट योर स्टैक, अपनी साइकिल कंप्लीट करते हो 3 से 4 हफ्ते की स्टेरॉइड्स पर, अगर आप रहते हो, आपकी बॉडी स्टेरॉइड्स पर है, उसके बाद आपके लिए PCT बहुत इंपॉर्टेंट है। PCT जनरली इज द पोस्ट साइकिल थेरेपी जहां पर आप दो चीजें यूज करते हो, नोवलडेक्स एंड क्लोमिड। नोवलडेक्स एंड क्लोमिड, ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, नोवलडेक्स एंड क्लोमिड, राइट। यू वो आप दो टैबलेट यूज करते हो कम से कम 3 से 4 हफ्ते। पहले 2 वीक्स आप क्लोमिड 100 mg लोगे पर डे एंड नोवलडेक्स 40 mg पर डे फॉर फर्स्ट 2 वीक्स। देन द रेस्ट 2 वीक्स यू कैन कट डाउन योर क्लोमिड टू 50 mg एंड नोवलडेक्स 20 mg, राइट। सो इस तरह आपका PCT कंप्लीट हो जाता है, ओके। सो गाइज मेक श्योर ये चीज आप पक्का फॉलो करो अगर आप स्टेरॉइड साइकिल पर जा रहे हो। PCT इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपके पास लाऊंगा कि किस तरह के स्टेरॉइड, कौन से स्टेरॉइड आपके बॉडी के अकॉर्डिंग बेस्ट रहेंगे। सो गाइज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू।